हेलो। हाँ बहन, हाँ ठीक है ठीक, हम लोग रेडी हो गए हैं। ओके हाँ, हम लोग आएंगे आएंगे। ओके ठीक, इनकमिंग सुन। ओके ओके, बाय बाय। संजू संजू, हाँ भैया, मैं सुबह से आपका वेट कर रही हूँ। कब आ रहे हो? अच्छा ठीक है, ओके बाय। अरे जल्दी करो यार, बहन के पास जाना यार, उनके लिए थोड़ा गिफ्ट भी लेना है, वो खरीदना है। चलो यार, उनके बच्चों के लिए भी थोड़ा कुछ खरीद लेंगे। जल्दी करना, बहुत लेट हो रहा है, जल्दी करो। और भाई तुम्हारा कब तक आ रहा है? कहीं नहीं जा रही। और रही बात आपकी बहन की, तो कोई जरूरत नहीं इतना खर्चा करने का। एक तो पूरे साल भर बंदी कॉल नहीं करती, रक्षाबंधन से 3 दिन पहले कॉल करती है। कोई जरूरत नहीं इतना खर्चा करने का, सस्ता सा कोई दे देना। और रही बात उसके बच्चों की, 500 रुपये देने की कोई जरूरत नहीं है। 50 रुपये से 1 रुपये ज्यादा मत देना। हाँ आ जाओ। ओ हाय, नमस्ते जी, कैसे हो? कैसे हो भाई? बढ़िया हूँ बढ़िया हूँ। कैसे दवा? क्या चल रहा है? बस इतना लेट कर दिए, कब से सुबह से वेट करा रहे हो अपनी बहन को? यार ये सभी लेने चला गया था बच्चे लोग के लिए, क्या करेंगे, करना पड़ता है। इतना सारा आने की क्या जरूरत है यार, बैठ बैठ दिखिए, बट बोला है ना, क्या करें। संजू भाई, भाई आए तुम्हारा, देखो। अरे भैया, ए छोटी कैसे है तू? भैया कब? हाँ अच्छी है, भैया। कैसी है? रुको, मैं अभी रक्षाबंधन राखी लेके आती हूँ। और बताइए कैसे चल रहा है आपका बिजनेस? ठीक चल रहा है अभी तो, मजे है। अभी जाना आप है, लोग भी कहीं निकल रहे थे शायद? नहीं एक्चुअली बहन के घर जाना है ना अभी तो, सो सुबह से वेट कर रहे हैं। भैया आजा आजा, बैठ जा बैठ। बहुत अच्छा है, जीते रहो 100 बरस 200 बरस, तुम जो दोनों हमेशा। और इसके लिए बहुत ठीक है। तो आप भी कहीं निकल रहे थे? थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया, आप लोग भी कहीं निकल रहे थे? मैं चलो बैंक के पास जाऊंगा। ठीक है ओके, चलो शाम को मिलते हैं, डिनर पे आ जाओ। ठीक है, श्योर श्योर श्योर। ओके ठीक है, छोटी मैं चलता हूँ, बाय बाय। ओके बाय। देखा, कहा था ना मेरा भाई है, वो देखो कितने सारे गिफ्ट लाया। ये देखो ये देखो, और सबसे बड़ा तो टेडी बेयर लाया। तुम खुश तो हो ना इतना सारा गिफ्ट्स लेके, और रक्षाबंधन अपने भाई के साथ मना के? हाँ मैं बहुत खुश हूँ। संजू तब मेरी बहन का क्या, जब तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए इतना एक्साइटेड है सुबह से राखी बंधाने के लिए, तो मैं भी तो एक्साइटेड होना। जब तुम अपने भाई को 3 दिन से कॉल कर रही हो, तो मेरी बहन भी मुझे कॉल कर रही है ना। और तुम क्या बोल रही हो, पूरे साल मुझे वो याद नहीं करती? पूरे साल सब अपने काम में बिजी रहते हैं, लेकिन त्योहार के टाइम पे याद करना गलत है क्या? संजू जैसे तुम अपने भाई का सुबह से वेट कर रही हो ना, वैसे मेरी भी बहन मेरा वेट कर रही है। जैसे तुम्हारा भाई तुमसे राखी बांधा के बहुत खुश है, मेरा भी मन करता है कि मैं भी अपनी बहन के पास जाके राखी बांधाऊँ। और बची बात है गिफ्ट की, तो गिफ्ट ना कुछ नहीं है, एक बहन अपने सच्चे दिल से उसको स्वीकार करती है, और भाई बड़े ही प्यार से उसको लेके आता है। ये राखी ना सिर्फ एक धागा नहीं है संजू, अपने बहन की तरफ से अपने भाई को दिया हुआ रक्षा का प्रतीक है वो। जिसको बहन नहीं होती ना, उनको पूछ लो तुम एक बार जाके, वो लोग अपने दोस्त की बहन को, अपने आसपास वालों को, उनसे भी राखी कितने प्यार से बंधवाते हैं, तुम्हें पता नहीं है अभी तो। राखी का बहुत बहुत महत्व होता है समझो, बहुत नसीब वाले होते हैं वो लोग जिनको इतना इतना नसीब से बहन मिलती है। जिनको बहन नहीं है ना, उनको जाके पूछ लो एक बार, समझो।
प्लीज संजू, रक्षाबंधन के पवित्र बंधन को समझो, ये एक बहुत ही पवित्र त्यौहार है। जैसे तुम इस रक्षाबंधन के त्यौहार को समझी ना, वैसे मैं चाहता हूँ कि दुनिया की हर बहन इस रक्षाबंधन के त्यौहार को समझे और इसी तरह बहुत अच्छी तरह भाई के साथ त्यौहार।